हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे भी टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, जो 200 क्वेश्चन की मैंने सीरीज स्टार्ट की थी रीजनिंग की, उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी वीडियोस आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और देखिए दोस्तों, आप इन सभी एग्जाम के टेस्ट भी परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये टेस्ट अवेलेबल है 20 टेस्ट ₹120 में आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ एसआई के लिए 20 टेस्ट ₹199 में और बाकी भी 20 टेस्ट ₹120 में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड है सौरभ SPL, इस कोड को भर के आप ₹30 का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप भी ट्राई करिए और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए अजीत ने कहा, वह मेरी माँ के पति की माँ की पुत्री है, बताए कि वह औरत अजीत की कौन है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आंसर भी मैंने वैसे यहाँ पे बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बट आप ट्राई करके देखिए कि किस तरीके से ऑप्शन सी है। बाकी मैं आपको एक फिगर के थ्रू बता देता हूँ, फिगर में कैसे हमें विजुलाइज करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए अजीत ने कहा, ये आपका एक औरत की तस्वीर हमने मान ली है और अजीत जो है, अजीत इसकी तरफ कोई इशारा करते हुए कह रहा है, वह मेरी माँ के पति। तो हमने मान लिया कि अजीत यहाँ पे है और उसकी माँ, मेरे माँ का पति बोला है, यानी कि अजीत की माँ ये हो गई और उसके पति ये हो गए, ठीक है। इस तरीके से एक एक आपको मानते हुए चलना है। अब आप सोचिए कि मैंने अजीत की माँ जब बोला तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ही क्यों गया, साइड की तरफ क्यों नहीं गया, क्योंकि अजीत की माँ अजीत के एक जनरेशन ऊपर है। तो आप जनरेशन का भी ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को करेंगे तो कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा और कभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। वो धीरे धीरे मैं आपको समझा दूंगा जब पूरी वीडियो आप देख लेंगे। देखिए यहाँ पे बोला अजीत की माँ का पति, तो अजीत की माँ इससे ऊपर जाएगी यानी कि एक जनरेशन ऊपर है, और फिर पति यानी कि एक ही जनरेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे माँ हो गया, यहाँ पे पति, ठीक है। इतनी चीज देखिए, पूरा लाइन मत पढ़िए एक बार के में, जितना पढ़ना है मतलब जितनी करना है उतना ही पढ़िए। वह मेरे माँ के पति, मेरे माँ के पति यानी कि उसके पिता की बात की जा रही है, अभी तक तो हमारी कुछ सब कुछ समझ में आ रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है पति की माँ, अब पति की माँ कौन हो जाएगी, दादी हो जाएगी, ठीक है ना। ये पति हो गया था, पति की माँ यानी कि ये हो गई आपकी, ठीक है, माँ का पति यहाँ तक था, ये हो गया माँ का पति, और ये हो गया पति की माँ यानी कि ये हो गई पति की माँ, ठीक है। तो ये हो गया, अभी तक आप समझ गए ना, ये दादी की बात की जा रही है यहाँ तक। माता की पुत्री है यानी कि पुत्री ये हो गई, फिर उसी जनरेशन में आ गई। अब थोड़ा सा मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ, अजीत की माँ ये हो गई के पति ये हो गए, फिर अजीत की माँ के पति की माँ यानी कि ये जो अजीत था, यदि अजीत है और ये इसकी पत्नी है कि अजीत की, सॉरी अजीत के पिता है ये, और इसकी माँ हो जाएगी अजीत की दादी, अभी तक समझ में आ रहा है। और दादी की पुत्री यानी कि फिर अजीत की बहन की बात की जा रही है, और अजीत जो ये तस्वीर है अजीत की बहन की है, यानी कि ये इसका बेटा है, फादर का रिलेशन है, तो ये इसकी क्या लगी। अब बताइए पिता की जो बहन होगी वो क्या लगेगी, वो बुआ लगेगी ना। तो औरत की ओर, जिस औरत की ओर तस्वीर की ओर अजीत इशारा कर रहा था, वो उसकी बुआ थी, ठीक है। तो बुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन सी। अब समझ में आया, अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन कराऊंगा ना वो सब कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं और 2 को पढ़ते हैं किस तरीके से करना है। देखिए, एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, बताए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। देखिए, हमने माना कि उसका जो पुत्र है ये है, ठीक है, इस तरीके से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, उसकी माँ, तो इसकी माँ कौन हुई, हमने ये मान लिया कि पुरुष ने इसकी तरफ इशारा किया कि अपने पुत्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ
तो उसकी माँ कौन हुई? इसकी खुद की पत्नी हो गई, ठीक है ना। उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो उसकी माँ की एक मतलब उसकी माँ तुम्हारी माँ की, यानी कि इसकी माँ कौन हुई? इसकी सासू हो जाएगी, और ये इसकी हमने मान लिया ये औरत है जिसको वो बता रहा है, तो इसकी माँ और ये औरत एक हो गया, और ये इसकी माँ हो गई, और ये इस माँ की इकलौती पुत्री हो गई, यानी कि ये इसकी माँ ये माँ हो गई, ठीक है। और ये जिस औरत के को बता रहा था ये चीज़ें, ये उसकी वाइफ है, ये उसके मतलब पति है, ठीक है ना। ये चीज़ समझे आप इस चीज़ को, दोबारा फिर बता देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है ना। उसकी माँ देखिए मतलब अपने पुत्र की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है कि उसकी माँ, तो इस पुत्र की माँ कौन हुई? इसकी खुद की पत्नी हो गई ना। और यहाँ पे जब दूसरी लाइन में पढ़ा जाएगा ना, अब दोबारा ध्यान से सुनिएगा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, इसका मतलब कौन हुआ? इसकी खुद की बारे में बात कर रहा है, यानी कि जिस औरत को वो बता रहा था ये खुद की पत्नी के बारे में बात कर रहा है। उसकी माँ कौन हुई? उसकी सासू हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी माँ गई, और उस माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि ये इसकी माँ जो है ना, इस पुत्र की, उसकी माँ की माँ के बारे में बात की जा रही है, ठीक है भाई। मैंने पूरी कोशिश की है, अगर अभी समझ में नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को एक बार और स्टार्ट करके देखिए, मतलब थोड़ा पीछे करके दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बावजूद भी नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब पूछ रहे बताए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो सीधा सीधा आपको पता चल गया ना कि क्या संबंध है, पुरुष और इस औरत का संबंध पति पत्नी का है, यानी कि यहाँ पे पूछा गया कि पुरुष का संबंध क्या है, तो पति का है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया, बिल्कुल सीधा सीधा सा है, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा, समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, और 3 में क्या बोला जा रहा है, मनीष की तरफ संकेत करते हुए मनोज ने कहा। देखिए हमने माना मनीष यहाँ पे है, ठीक है, तो मनीष ने मनोज की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पुत्र है। ध्यान से पढ़िए लाइन को, छोटी सी लाइन है, सब कुछ बता गई, वह मेरी बहन के एकमात्र भाई, यानी कि वो खुद के बारे में बात कर रहा है। दोबारा से पढ़िए, मनीष की तरफ संकेत करते हुए मनोज ने कहा, मनोज बोल रहा है ये चीज़ कि वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पुत्र है, यानी कि मनोज ये हो गया, उसकी बहन ये हो गई, ठीक है। मनोज की बहन का एकमात्र भाई का पुत्र है मनीष, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये खुद के बारे में बात कर रहा था कि ये जो मनोज है ये खुद के बारे में बोल रहा है कि वह मेरी बहन का एकमात्र भाई का भाई का पुत्र है, यानी कि ये जो मनीष है ये इसका पुत्र है। तो यही आपका रिलेशन हो जाएगा, मनीष का मनोज से क्या संबंध है, तो पुत्र का हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। समझे आप इस चीज़ को, दोबारा से पढ़ देता हूँ, वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पुत्र है, वह मेरे बहन के एकमात्र भाई। तो मेरी बहन कौन हुई? मनोज ये बात बोल रहा है, तो मनोज की बहन तो उसकी बहन हो गई, फिर उसका एकमात्र भाई ये खुद हो गया, और फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसका वह एक पुत्र है, यानी कि वह उसका एक का भाई का पुत्र है। इसका मतलब वही इसका मनीष जिसके बारे में बात कर रहा था मनोज, वो उसका बेटा है, पुत्र है। ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, ठीक है। यदि पी क्यू का भाई है, तो हमने यहाँ पे माना कि पी क्यू का भाई है, यानी कि पी और क्यू क्या है, भाई भाई है दोनों, तो पी क्यू का भाई है, हमने दोनों को एक ही लाइन में लिख दिया। नेक्स्ट बोला गया क्यू तथा क्यू की बहन आर है, तो क्यू की बहन आर हो गया, ठीक है, क्यू की बहन आर है, तो पी और आर का क्या रिश्ता है? तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो R, Q और P तीनों के तीनों बहन भाई हैं, और ये यहाँ पे बोला P, Q का भाई है, ठीक है ना, P, Q का भाई है, और Q की बहन R है, Q की बहन R है, तो R ये है Q की बहन, और P की भी बहन ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है P का R से क्या रिश्ता है, तो P R का भाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था कि P Q का R से क्या संबंध है, तो P R का भाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि R का P से क्या संबंध है, तो R बहन हो जाती P की। तो यहाँ पे इन कभी समझिएगा रिलेशन, कभी आप यहाँ पे ऑप्शन डी भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं, बट आपका राइट आंसर सी रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के
लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे कुछ आपको बता दिए गए हैं पॉइंट्स पहले से कि P गुणा Q का अर्थ है Q का भाई P है, P प्लस Q का अर्थ Q का पिता P है, P डिवाइड Q का अर्थ है कि Q की बहन P है। तो यहाँ पे आपको एक बताना है इन चारों ऑप्शन में से इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। M का चाचा A है, निम्नलिखित किससे प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे, एक एक ऑप्शन में रख करके इसको देखेंगे जो जैसे जैसे इन्होंने बोला है। यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन को मैंने लिया, ए प्लस डी लिखा है। प्लस का अर्थ क्या है, क्यू का पिता पी है, यानी कि डी जो है वो ए का पिता है, क्यू का पिता पी है, यानी कि जो क्यू का पिता, हाँ ठीक है, ए जो है वो डी का पिता है, ठीक है। तो ए डी का पिता हो गया। फिर डिवाइड का मतलब क्या है, क्यू की बहन पी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिलेशन है वो एक फीमेल का आ गया, बहन का आ गया, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि एम और ए के बीच में चाचा का रिलेशन हमें निकालना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी पे आते हैं। बी में है यहाँ पे डिवाइड का है, यानी कि क्यू का भाई पी है, यानी कि ए और डी दोनों भाई हैं, ठीक है। क्यू जो है का भाई पी है, तो यानी कि ए और डी का, ए डी का भाई है और डी ए का भाई है। यहाँ पे फिर आता है आपका प्लस, प्लस में क्या लिखा गया है, क्यू का पिता पी है। तो जो क्यू का, क्यू है उसका पिता पी है, यानी कि ये डी जो है इसका पिता है। तो यहाँ पे अगर ये पिता है और ये दोनों भाई हैं तो ये इसका चाचा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर समझ में नहीं आया तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और यहाँ पे अब मैं 5-6 क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम के कराने वाला हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इनको लगातार देखिए और ट्राई करते रहिए। जो भी आप पे, आपसे राइट आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे है, नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेखा दिए गए तीन वर्गों के व्यक्ति टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट के खिलाड़ी और विद्यार्थी के बीच के संबंध को सही रूप से निरूपित करता है। तो यहाँ पे जो आपके तीन के बीच में वेन डायग्राम बताना है वो है टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट के खिलाड़ी और विद्यार्थियों के बीच। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए टेनिस के प्रशंसक भी हो सकते हैं और टेनिस के जो प्रशंसक होंगे वो क्रिकेट के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये थोड़े ही है कि विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं तो वो टेनिस का प्रशंसक नहीं हो सकता, हो सकता है ना। तो इसी तरीके से कुछ वाली कंडीशन यहाँ पे रहेगी। फिर विद्यार्थी की अगर मैं बात करूँ तो एक विद्यार्थी टेनिस का प्रशंसक भी हो सकता है और एक खिलाड़ी भी हो सकता है। तो एक ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये तीनों के बीच में रिलेशन को शो करता है, एक वेन डायग्राम आपको ऐसा देखना है। तो तीनों के बीच में तो सारे शो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शन को हटाना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए मुझे लग रहा है राइट आंसर, बट अभी मैं इसको छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो मेरे को सही आंसर लग गया है। अब बी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो टोटल कवर किया गया है ना दो चीज़ों को, वो कोई सी भी चीज़ एक दूसरे को कवर नहीं कर सकती है। कोई भी ऐसा लग रहा है आपको कि सभी के सभी टेनिस के जो प्रशंसक है वो खिलाड़ी हो सकते हैं, क्रिकेट हो नहीं सकते ना, और सभी के सभी विद्यार्थी भी आपके टेनिस के प्रशंसक और क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं हो सकते। तो इसलिए जो ओवरऑल कंडीशन को कवर कर रहा है ना एक वेन डायग्राम बाहर वाला, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, इसको हटा देंगे। फिर दूसरी बात, यहाँ पे ये डी वाला भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें भी एक वाला ऐसी कंडीशन आ चुकी है। फिर बचा हमारे पास सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तीनों के बीच में रिलेशन को शो करना है और इसके बीच में तो रिलेशन शो हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी आपका नहीं होगा। समझे आप, ये दोनों क्यों नहीं होंगे और ये क्यों नहीं आंसर होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाला वेन डायग्राम और ये वाला सेपरेट कर दिया गया है, इनके बीच में रिलेशन को शो नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ वाली कंडीशन रहेगी कि कुछ टेनिस के प्रशंसक आपके क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं और कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी और कुछ टेनिस के प्रशंसक आपके विद्यार्थी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आपकी सही रहेगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं और इसमें लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से हाथी, भेड़िया और जानवरों के प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे देखिए तीनों के बीच में रिलेशन है, हाथी जानवर और हाथी भेड़िया और जानवर, क्योंकि हाथी और भेड़िया दोनों ही जानवर होते हैं। तो एक वेन डायग्राम जो डी मेरे को नज़र आ रहा है बिल्कुल गलत, क्योंकि ये इसको अलग से शो कर रहा है, ठीक है ना, अलग नहीं हो सकते। ऑप्शन सी क्यों राइट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिर वही वाली बात आ गई है कि सभी
आपके हाथी भेड़िया नहीं हो सकते, सभी भेड़िया हाथी नहीं हो सकते, और सभी के सभी भेड़िया और सभी भेड़िया और हाथी तो जानवर हो जाएंगे, बट ये वाली दो कंडीशन जो है जो मैंने अभी बोली है वो नहीं हो सकती, तो ये वाली कंडीशन कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगी। बचा आपका ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में भी आपका वही वाली मिस्टेक है कि ये वाला और ये वाले को अलग अलग कर दिया गया है, तो ऐसा अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सभी के सभी आपके हाथी और सभी के सभी आपके जो भेड़िया हैं वो जानवर होते हैं, तो इस तरीके से इसको कवर करके ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझ गए आप, सभी के सभी ये हाथी हो गए, ये भेड़िया हो गए, दोनों अलग अलग हैं बट दोनों के दोनों जानवर हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं और इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से चोर जज और अपराधी के बीच के संबंध को दर्शाती है। तो अगर मैं इस ऑप्शन इसमें ऑप्शन की बात करूँ तो मुझे एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो एक सेपरेट शो करता होगा, क्योंकि चोर यहाँ पे जो अब की बार वो है चोर जज और अपराधी। देखिए चोर तो आपका अपराधी हो सकता है बट जज जो होगा वो एक अलग ही आपका हो गया, तो एक जज वाला आपको वेन डायग्राम बिल्कुल सेपरेट चाहिएगा। ठीक है, तो आपको देखना है जैसे ये ऑप्शन डी कभी नहीं बन सकता है और ऑप्शन ए कभी नहीं बन सकता है। अब ऑप्शन या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है। अब इसमें हम कैसे डिसाइड करें कि बी होगा या सी होगा, तो देखिए यहाँ पे जो चोर होगा वो हमेशा अपराधी होगा। ठीक है भाई, ये तो नहीं चोरों की कैटेगरी तो नहीं डिसाइड कर सकती कि ये वाले चोर तो अपराधी होंगे और ये वाले चोर अपराधी नहीं होंगे। तो चोर जब भी होगा वो अपराधी होगा, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सभी के सभी चोर अपराधी होंगे, तो सभी के सभी चोर आपके अपराधी होंगे, कुछ चोर अपराधी नहीं होंगे। ठीक है ना, ऐसा ऐसी वाली कंडीशन को शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन बी वाली शो कर रही है ना कि कुछ चोर अपराधी होंगे, ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। सभी के सभी चोर आपके अपराधी होते हैं, तो इस तरीके शो करेंगे और जज वाला आपका अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका देखिए क्या शो करता है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भाषाओं फ्रेंच और जर्मन के बीच संबंध दर्शाती है। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आते रहता हूँ, बस आप थोड़ा सा मोटिवेट करते रहा करें। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखते हैं तो आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, और प्लीज़ आप ज़रूर लाइक किया करें ताकि मुझे एक आइडिया भी मिल जाए कि कितने बच्चे हमारे चैनल पर जो हैं वो सीरियस हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आप ट्राई करके देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को कि भाषाओं फ्रेंच और जर्मन के बीच कौन सा संबंध को दर्शाता है, ये आपको बताना है। भाषाओं और फ्रेंच दोनों ही आपकी भाषाएं, सॉरी फ्रेंच और जर्मन दोनों ही आपकी भाषाएं हैं, तो इसका मतलब आपको एक ऐसा वेन डायग्राम देखना है जो तीनों के रिलेशन को शो करता है। जैसे ऑप्शन बी कभी नहीं बन सकता, ऑप्शन ए कभी नहीं बन सकता, क्योंकि तीनों का रिलेशन शो नहीं कर रहा है, ये एक अलग शो कर रहा है। ठीक है ना, अब बचे आपके पास ऑप्शन सी और डी। डी और सी में कौन सा राइट रहेगा, डी क्यों नहीं हो सकता है, डी राइट आंसर नहीं है। मैं रीजन आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता है। इसके अंदर आप ये वाला वेन डायग्राम देख रहे हैं, ये किस चीज़ को शो करता है, कुछ वाली सम वाली कंडीशन को। तो यहाँ पे ये थोड़ी बोला जा सकता है कि कुछ फ्रेंच जर्मन और कुछ जर्मन फ्रेंच, भाषा तो अलग अलग है ना, तो दो अलग अलग भाषाएँ हैं और दोनों की दोनों भाषाएँ, तो इसका मतलब फ्रेंच और जर्मन दो अलग अलग हैं बट दोनों की दोनों भाषाएँ हैं, इसलिए एक वेन डायग्राम से मैंने कवर कर दिया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में भी कुछ इसी तरीके से आपका एक वेन डायग्राम बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मेज कुर्सी और फर्नीचर के बीच संबंध दर्शाती है। देखिए मेज और कुर्सी दो अलग अलग सेपरेट वो है, ये तो नहीं बोल सकते कुछ मेज कुर्सी और कुछ मेज आपका कुछ कुर्सी मेज हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं बट दोनों फर्नीचर हैं, तो फिर से आपको एक वैसा वेन डायग्राम देखना है कि दोनों अलग अलग को शो करता हो बट फर्नीचर वाला एक वेन डायग्राम उन दोनों को कवर करता है। रिलेशन तीनों के बीच में है तो ऑप्शन बी वाला हट जाएगा, क्योंकि ए एक को अलग शो कर रहा है, ये कभी नहीं बन सकता है। ऑप्शन सी भी आपका कभी नहीं बन सकता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये फर्नीचर हो गया, ये मेज होगी और दोनों के दोनों फर्नीचर है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी आकृति संगीतकार वाद्यकार और वायलिन बजाने वालों को प्रदर्शित करती है। देखिए संगीतकार वाद्यकार और वायलिन बजाने वाले तीनों के बीच में एक रिलेशन शो होता है, तो आपको वेन डायग्राम तो वही उठाना है जिसके तीनों के बीच में रिलेशन को शो करता है। जैसे ऑप्शन बी राइट आंसर नहीं बन सकता, ऑप्शन डी भी राइट आंसर नहीं बन सकता। बचा आपका सी और ए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी दो के बीच में रिलेशन को शो नहीं करता है, सिर्फ इनके ये जो बीच में रखा है ये इसके साथ में और इसके साथ में रिलेशन को शो कर रहा है, बट यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आपका रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो
वायलिन बजाने वाले होते हैं वो भी आपके वाद्यकार होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से कवर हो जाएगा। और जो आपका वाद्यकार होते हैं वो आपके संगीतकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको ये सभी के सभी वाद्यकार संगीतकार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से सबसे पहले आपका क्या हो गया, वायलिन बजाने वाले, फिर वाद्यकार और फिर संगीतकार। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आ जाते हैं। इसमें आपको नेक्स्ट बताना है एनालॉजी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ए ई एस जेड, ठीक है, फिर यहाँ पे डी जी और नेक्स्ट आपको बताना है। तो ए ई और एस जेड में क्या रिलेशन है, देखिए ए जेड का अपोजिट है, तो इस तरीके से आपने लिख लिया। ई और एस में हमने क्या किया, प्लस 14 किया है, ठीक है। ई आपका पांचवें नंबर पे आता है, प्लस 14 करेंगे तो आपका एस बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है, तो डी में हम प्लस 14 कर देंगे तो आपका आर बन जाएगा, और यहाँ पे जी में आप क्या करेंगे, जी का अपोजिट आपका टी हो जाएगा, तो आर और टी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आर और टी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऐसा करता हूँ कि समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को ट्राई करिए। देखिए आप साथ साथ में ट्राई करते रहिए तो राइट आंसर आने का एक मज़ा अलग ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका यही विपरीत वाला अक्षरों का युग्म है, यानी कि अपोजिट अल्फाबेट्स हैं आपके। ए का अपोजिट आपका जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, और सी का अपोजिट एक्स होता है। उसी प्रकार यहाँ पे आपका सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, जैसे अभी आपने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका बी का अपोजिट आपका वाई हो जाएगा और ए का अपोजिट आपका जेड हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो एक्स वाई जेड देख लीजिए कौन सा, एक्स वाई जेड, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। 14 में यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए कार रेस लिखा गया है, ठीक है। कार को रेस लिखा गया है, तो उसी प्रकार रेट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका, तो कार को आप उल्टा करके लिखेंगे ना, देखिए कार क्या होता है, अगर आप लिखेंगे सी ए आर, इसको उल्टा करके लिखिए आर, ठीक है, ए सी, और इसमें बाद में ई प्लस कर दिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, रेट, रेट कैसे लिखे थे, आर ए टी, और इसको उल्टा लिखेंगे टी ए आर, और इसमें प्लस कर देंगे ई, तो क्या हो गया टेर, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टेर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे बनाना मतलब इस तरीके से, ऑप्शन में आपको इस तरीके से मिलेंगे, तो ये भी आप देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को करिए ट्राई। यहाँ पे बोला जा रहा है पी एस बने तो टी क्या बनेगा। तो पी एस बने, यानी कि हम सीधा सीधा यहाँ पे देख सकते हैं पी और एस के बीच में डिफरेंस कितना, 3 का, यानी कि प्लस 3 कर दिया गया है, तो टी में भी प्लस 3 कर दीजिए, तो टी में प्लस 3 होगा तो डब्लू हो जाएगा, तो यहाँ पे डब्लू बन जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे बोला जा रहा है बीच का जो संबंध रेत से है वही समुद्र का संबंध खाली स्थान से है। तो यहाँ पे देखिए बीच जो यहाँ पे तट पे क्या पाया जाता है, रेत पाया जाता है, ठीक है। तो समुद्र में क्या पाया जाता है, तो समुद्र में पानी होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, धुआं फूल सागर ये तो नहीं होगा ना, तो पानी होगा। तो जिस तरीके से बीच पे आपका रेत पाया जाता है उसी तरीके समुद्र में आपका पानी पाया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से ट्राई करिए। 17 में भी बहुत सिंपल सी बात पूछी गई, गोरैया का जो संबंध पक्षी से है, सेब का वही संबंध खाली स्थान से है। तो गोरैया एक पक्षी है, अगर गोरैया का संबंध एक पक्षी से है तो सेब का किससे होगा, फल से होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नारंगी, छीलना, नाशपति, तो ऑप्शन डी रहेगा ना, फल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। 18 का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। तो 18 में यहाँ पे बोला जा रहा है विराट का जो संबंध वामन से है, प्रतिभा का वही संबंध खाली स्थान से है। तो विराट का विपरीतार्थ अर्थक जो होता है वामन होता है, ठीक है ना, तो उसी तरीके से आपका प्रतिभा का विपरीत क्या हो जाएगा, ये मूर्ख हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे डी रहेगा आपका, ठीक है ना। सूक्ष्म, बालक, बुद्धिमान, मूर्ख, तो मूर्ख आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है भाई। ऐसे करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे क्या बोला गया है, ई जी आई के को एफ आई एल ओ लिखा जाता है, तो एफ एच जे एल को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो इसमें प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4 चल रहा है, ठीक है, यानी कि ई में प्लस 1 किया तो एफ, जी में प्लस 2 किया तो आई, आई में प्लस 2 किया तो सॉरी 3 प्लस किया तो एल,
के में प्लस फोर किया तो ओ, उसी तरीके से मैं एफ एच जे एल में प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री करूँगा तो एफ में प्लस वन करने पे जी आ जाएगा और एच में प्लस टू करने से जे आ जाएगा, जे में प्लस थ्री करने से एम आ जाएगा, एल से प्लस फोर करने में पी आ जाएगा, तो जी जे एम पी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को ट्राई कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो 20 में भी कुछ आपकी बहुत ही नॉर्मल सी सीरीज चल रही है। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, -2 -2 और -1। अगर मैं 3 में से -2 करता हूँ तो 1 बचता है, 7 में से -2 करता हूँ तो 5 बचता है, और 1 में से -1 करता हूँ तो 0 बचता है, तो 150 आपका आ गया। वैसे ही आप करेंगे इसमें तो 4 में से -2 तो 2, ठीक है, 6 में से -2 तो 4, 8 में से -1 तो 7, तो 247 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 247 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है, वीडियो को लाइक शेयर भी आपने कर दिया होगा। और अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है किसी भी वीडियो की, तो आपको सीधा बस नीचे लिंक दिया गया है टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करके जाइए, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। आप इस वीडियो की भी कर सकते हैं या फिर किसी भी वीडियो की जो PDF आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पे जाके, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, तो ज्वाइन कर लीजिए, दूसरों को भी कराइए, दूसरों को वीडियो को शेयर करिए, जो भी डाउट रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम और आपका ट्विटर कहीं पर भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट रहता है। आपको बस सर्च करना है सौरभ मलिक SAURABHMALIK, आपको ये सर्च करके और जो भी सबसे ऊपर DP मिलेगी उस पर देख करके सौरभ मलिक, ठीक है, टॉपिक स्टडी और ये सब कुछ आ जाएगा, मैं बहुत चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ पे जाके आप मुझे कैसे भी करके फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपका कोई डाउट हो तो वो मैं क्लियर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।